स्वागत है आपका संगीता's किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ नॉर्थ ईस्ट की एक बहुत ही फेमस दाल जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है और खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। तो फटाफट से बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टाइल में मसूर की दाल। तो यहाँ मैंने एक कप मसूर दाल को भिगो के रखा था, इसे 15 मिनट हो चुके हैं भिगोए हुए। तो देखिए इस तरह से फूल चुका है। अब इसे क्या करेंगे, हम कुकर में डालेंगे इसको, ये देखिए इसे डाल देते हैं, और साथ में डालेंगे 2 कप के करीब पानी। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा हल्दी, और नमक स्वाद अनुसार। साथ में मैंने एक हरी मिर्ची भी डाली है। अब इसे ढक्कन लगा के सिर्फ 2 सीटी हमें इसे लगानी है, बस 2 सीटी से ज़्यादा बिल्कुल भी मत लगाइएगा वरना जो दाल है बहुत ज़्यादा पक जाएगा। तो यहाँ मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स को रेडी रखा है छौंक लगाने के लिए। हमने लिया है 2 प्याज, थोड़ा सा लहसुन, कलौंजी, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 1 लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता। तो 2 सीटी हो चुके हैं, देखिए दाल कितनी अच्छी तरह से गला है, देखिए बिल्कुल अलग अलग सा है, हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई गरम कर ली है, इसमें डाला है 2 चम्मच सरसों का तेल, और डाला है थोड़ा सा कलौंजी, 1 लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता। अब डाल दीजिए इसमें हरी मिर्ची, इसे चटकाइए थोड़ा सा, और अब डाल दीजिए कड़ी पत्ते। साथ में मैंने चॉप किया हुआ लहसुन और प्याज भी डाल दिया है, इसे हमें तब तक भुनना है जब तक ये थोड़ा गोल्डन कलर का ना हो जाए, मतलब जो कच्चापन है ना वो पूरा चला जाना चाहिए, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, जलना भी नहीं चाहिए लेकिन जो अच्छी तरह से पक जाना चाहिए। तो अब हम इसमें पका हुआ दाल डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे, आपको जैसा चाहिए गाढ़ा या पतला, और इसे अच्छी तरह से 5 मिनट उबलने दीजिए। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, एकदम मिनटों में रेडी हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, ये देखिए एकदम तैयार हो चुका है। अब इसे गैस पर से उतार लेंगे, इसे आप गर्मा गर्म एकदम सूप की तरह भी पी सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, या तो फिर आप गर्मा गर्म चावल के साथ भी इसे खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और एकदम प्रोटीन से भरपूर होता है ये। तो आप भी ट्राई करें एक बार और मुझे बताइए कि कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।